क्यों नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं नहीं कुछ देर बाद सुनाई देने भी वाला नहीं है। क्यों नहीं देने वाला है? भैया आप जिस तरीके से हेडफोन का इस्तेमाल कर रहे हो ना, उससे आपको कुछ दिन बाद सुनाई देने वाला तो है नहीं। भैया इससे एक फायदा आपका ये होगा कि भैया डॉक्टर के घर में पैसे की भरमार हो जाएगी। और भैया डॉक्टर के घर में पैसे की भरमार कैसे हो जाएंगी? भैया ऐसे हो जाएंगी कि यदि आप फुल वॉल्यूम में सुन रहे हैं गाना और आप ऐसे सुन रहे हैं डीजे वाला सॉन्ग कि भैया बाहर की आवाज नहीं आना चाहिए, कान के अंदर सिर्फ बजना चाहिए गाना, तो भैया सतर्क हो जाइए। अब भैया क्यों हो जाइए? I'm Poppy. Poppy, हाँ ना, अच्छा Poppy नाम का कर लेने का, अच्छा नाम, अच्छा नाम। I'm Poppy. हाँ Poppy तो Poppy, हाँ Poppy, ठीक है ना, जा तो हमारा जो रूल्स हम बता रहे हैं कर लो तुम फॉलो। कैसे कर लो फॉलो? देखो भैया ऐसे कर लो तुम, खैर 85 डेसिबल से कम में आपको गाना सुनना है। सेफली होता है 85 डेसिबल, लेकिन आपको 85 डेसिबल से कम साउंड में आपको जो है गाना सुनना है। तो भैया यदि 85 डेसिबल से यदि तुम गाना सुन लोगे तो तुम हो जाओगे बहरे। आपको लोगे कैसे हो जाओगे बहरे? भैया हो जाओगे बहरे। अब भैया आपको पता कैसे चलेगा कि आप 85 डेसिबल में गाना सुन रहे हैं? तो भैया 85 डेसिबल में गाना सुनने के लिए सिंपली कुछ नहीं है, पता चल जाएगा। यदि आप गाना सुन रहे हैं जो ठेपा लगा के कानों में, और यदि आपके कानों में बाहर की एक चिड़िया की आवाज भी नहीं आ रही, ना कि हाथी के चिल्लाने की आवाज भी नहीं आ रही आपके कानों में, या चौचौ पौपौ मोमो भी नहीं आ रही आपके कानों में, तो भैया समझ जाओ कि आप 85 डेसिबल से अधिक में गाना सुन रहे हो। तो हमने बता दिया तुम कैसा होगा भैया। इसके लिए आपको करना होगा कि आपको 85 डेसिबल से, बीच में आता है ना, 85 डेसिबल से कम में आपको जो है गाना सुनना होगा। भैया आप नहीं होगा कभी बहरे। अब भैया ऐसे बचा सकते हैं आप अपने कानों को नुकसान होने से। तो भैया ये है सिंपली आप रूल्स को, यदि तुम आप कर लोगे फॉलो, तो ये नहीं हो उनको तुम्हारा कान कभी भी हालो हालो, और जिंदगी भर कर सका था तुम हालो हालो। और भैया एक घंटा से ज़्यादा तुम गाना सुनने ना 85 डेसिबल से अधिक वॉल्यूम में, अधिक कभी सुन ले तुमने 85 डेसिबल से अधिक वॉल्यूम में गाना, तो भैया फिर तुम कछु भी सुनने के लायक नहीं रह जाए हो, हम बता रहे हैं। तो भैया वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भैया मिलते हैं अगली वीडियो में। रहा है क्यों कंफ्यूज मेरे दिल, मशवरा मेरा तू आजमा के देख, यही